किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम राजेश्वर सिंह और आज मैं आया हुआ हूँ, बेसिकली बात करें तो लिप्टस के प्लाट में। यहाँ पे खेती की गई है लिप्टस के करीब दो तीन 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 किले के करीब, तीन एकड़ के करीब। और लिप्टस की खेती से आप अगर एक हेक्टेयर का फ़ायदा देखें तो 50 लाख से आप ज़्यादा कमाई कर सकते हो लिप्टस की खेती करके। तो लिप्टस लगाने का सबसे बड़ी प्रॉफिट ये है कि लिप्टस की जो दूरी होती है वो चार फिट की रखी जाती है पौधे से पौधे की दूरी, और लिप्टस का पौधा आसानी से आपके मार्केट में 5 से 7 रुपए के उपलब्ध है। तो 5 से 7 रुपए में आप लगाइए लिप्टस की खेत पे, पौधे पे जो एक खर्च आता है लगभग 5 से 7 साल की तो खेती होती है, और जो खर्च आता है वो आइडियल 50,000 रुपये आता है साल का पर हेक्टेयर। तो इसकी जो अभी रेट चल रहा है, लकड़ी का रेट इसका 9 रुपये चल रहा है, 9 रुपये किलो। और एक हेक्टेयर अगर आप खेती कर रहे हो तो उसमें 3,000 पौध आप लगा सकते हो। और पौध के लिए आपको करना क्या है, बेसिकली इसका पौध होता है जो कमज़ोर होता है, थोड़ा पौध जो है कमज़ोर होता है, और इसके लिए बेसिकली यहाँ पे मिट्टी लगाई जाती है। मिट्टी इसलिए लगाई जाती है क्योंकि इसका जो तना है वहाँ से पौधा गिरे ना या टेढ़ा मेढ़ा ना हो। जितना सीधा पौधा रहेगा उतना सुंदर दिखता है और उतनी अच्छी रेट इसके मिल जाते हैं। तो बेसिकली बात करें इनकी ग्रोथ के लिए कि किसान भाई इसमें खाद और उर्वरक में क्या डाल सकते हैं, तो खाद और उर्वरक में इनको बेसिकली दो ही चीज़ों की जो है ज़रूरत पड़ती है, एक तो होती है नाइट्रोजन, दूसरा होता है कैल्शियम। इनके बढ़ने और ग्रोथ करने के लिए इन दो चीज़ों की इसको हम रख सकते हैं महत्वपूर्ण पोषक तत्व की, इसको इन दो चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली बात करें तो इनको नाइट्रोजन और कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। किसान भाई इसमें एक हेक्टेयर में 3,000 पौधे आते हैं और 3,000 पौधे 5 से 7 साल में आपका तैयार हो जाता है, जिससे आपका बिल्कुल आराम से 50 लाख के प्लस की कमाई हो जाती है, जो कि आप खेती से उतनी कमाई नहीं कर पाए। किसान भाई एक बार आप सोचिएगा और सफेदे की खेती करने के लिए। बाकी धन्यवाद।